नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको काजू कतली बनाना बताऊंगी। काजू कतली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम काजू लेंगे। काजू मैंने 100 ग्राम काजू लिए हैं। आधा कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। एक कटोरी से थोड़ा कम मैंने चीनी ली है और 6-7 इलायची का पाउडर और 2-3 चम्मच हम देसी घी। अब हम सबसे पहले काजू को पीसेंगे। काजू को हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं। काजू मैंने मिक्सी जार में डाल लिए हैं। अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए नहीं पीसेंगे, इन्हें बीच बीच में रोक कर मिक्सी को तब पीसेंगे। और हमें एक फाइन पाउडर चाहिए। देखो मैंने काजू पीस लिए हैं। अब इन काजुओं को हम छलनी की सहायता से छान लेते हैं। देखो मैंने काजू को पीस लिया है। अब इन्हें छान लेती हूँ। और छानने के बाद जो हमारा मोटा काजू बच जाता है उसे दोबारा से पीस लें। पाउडर बन के तैयार होगा, उतनी ही स्मूथ हमारी काजू कतली बन के तैयार होंगी। चलो अब हम चाशनी बनाते हैं। हमने गैस पे फ्राई पैन रख लिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हमने एक कटोरी चीनी ली है तो हम आधा कटोरी पानी लेंगे। हमें एक तार की चाशनी चाहिए, हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। हम लगातार चलाते हुए चाशनी को पका लेते हैं। देखो चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब हम काजू पीस के रखे हैं वो डाल लेंगे। चाशनी को चेक करने के लिए हम एक ड्रॉप प्याले में डालेंगे। देखो इसमें से तार निकल रहा है ना, हमें ऐसी चाशनी तैयार चाहिए। अब इसमें काजू डालेंगे। और जो हमने मिल्क पाउडर रखा है ये डालेंगे। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें। ये आपको कहीं भी किराना की दुकान से मिल जाएगा। इससे काजू कतली में टेस्ट अच्छा आएगा। इन सभी को हमने अच्छे से मिला लिया है। इसमें इलायची भी डाल देंगे और 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। हमें 1-2 मिनट चलाकर पकाना है। गैस को हमें लो ही रखना है। गैस को बंद कर देते हैं और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे थोड़ा ठंडा हो जाएगा। हम इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। ज़्यादा ठंडा करने के बाद इसके ऊपर एक हार्ड लेयर आ जाती है जिससे काजू कतली अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हम अब इसको एक पॉलीथीन पे उतार लेते हैं। अब हम इसे ऐसे मसल मसल कर चिकना डो तैयार करेंगे जिससे काजू कतली बहुत ही स्मूथ बनेंगी। हमें इस मिश्रण को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ठंडा होने के बाद काजू कतली अच्छी नहीं बनेंगी, उन पे हार्ड लेयर आ जाएगी। ऐसा करने से काजू फैट रिलीज करता है जिससे काजू कतली बहुत ही स्मूथ बनती है। हमें ऐसा लगातार करते हुए एक चिकना डो तैयार करना है।
इसमें 1 चम्मच घी ऐड करके इसको अच्छा चिकना कर लें, इससे काजू कतली पे बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। और देखो मैंने मसल मसल कर कितना अच्छा डो तैयार कर लिया है। अब हम इसको बेल लेंगे। काजू कतली को हमें पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। हमने इसको काजू कतली कट कर लेते हैं। काजू कतली अपने पसंद के अनुसार छोटी बड़ी जैसी आप चाहें वैसी कट कर सकते हैं। आप चाहें तो काजू कतली पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल बाजार में चांदी का वर्क मिलावटी आता है, इसलिए मैंने चांदी का वर्क इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने काजू कतली कट कर ली है, अब इनको एक प्लेट में रख लेती हूँ। देखो काजू कतली बनके तैयार हो गई है, कितनी स्मूथ काजू कतली बनी है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कैसी लगी ये काजू कतली।